केले हम सभी के घर में रोजमर्रा में आते ही रहते हैं, लेकिन अक्सर केले बच जाते हैं और फिर वो पक जाते हैं, फिर समझ नहीं आता इनका क्या करें, और धीरे धीरे रखे रखे उनको हमें फिर फेंकना ही पड़ जाता है। सिंपल जो केले आप फेंकने वाले थे, आपको विश्वास नहीं होगा कितनी हेल्दी टेस्टी मुंह में घुल जाने जैसी, मतलब टॉफी जैसी मिठाई आप घर में तैयार करेंगे, वो भी सिंपल दो चीजों से। और इस मिठाई का नाम है बनाना हलवा बर्फी। इतनी टेस्टी रेसिपी है कि यकीन मानिए आप केले नेक्स्ट टाइम जानबूझकर बचाएंगे कि केले बच जाए तो अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साउथ की बहुत ही प्रसिद्ध बनाना हलवा मिठाई बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 6 पके हुए केले। अक्सर ऐसे ही हो जाता है ना, केले रखे रखे एकदम पीले से पड़ जाते हैं और कोई खाना नहीं चाहता। तो आज ये मिठाई जो हम बनाने वाले हैं, ये एक ऐसी मिठाई है जो खाने में तो टेस्टी है ही, साथ के साथ आप अपने फास्ट में यानी व्रत में भी इसको खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम केले के छिलका उतार लेंगे और केले के छोटे छोटे पीसेस करके एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पके हुए केले ही चाहिए, जो भी केले आपके घर में आते हैं आप उनसे डायरेक्ट भी ये हलवा मिठाई तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से मैंने केले का पेस्ट तैयार कर लिया। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ। और याद रखिए, यहाँ बिल्कुल भी आपको पानी नहीं डालना है, सिंपल जो पके हुए केले हैं काट करके डालिए और सिंपल पीस लीजिए। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक भारी तले की कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे मीडियम फ्लेम पर 2 बड़े चम्मच घी। ऐसे आप कोई भी घी, तेल, वनस्पति किसी में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मिठाई का फ्लेवर तो भाई घी से ही बढ़िया आता है। और घी के पिघलते ही इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 8 से 10 काजू। तो यहाँ मैंने सिंपल 8-10 काजू को रफली कट कर लिया है। काजू को हल्का सा ना रोस्ट कर लेंगे, इससे क्या होगा जब आप इसे हलवे में डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। वैसे डायरेक्ट भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन रोस्टेड काजू की बात ही अलग है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ ले सकते हैं। ये साउथ की बहुत ही फेमस बनाना हलवा मिठाई है। काजू में भी बढ़िया सा कलर आ गया है, तो सारे काजू हम निकाल लेंगे। तो काजू को भी रख देंगे अलग, फ्लेम को लो कर देंगे और इसी घी में जो भी हमने केले पीस कर रखे ना, सारा पेस्ट आप डाल दीजिए और लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से घी के साथ केले के पेस्ट को करेंगे मिक्स। और लगातार चलाते हुए केले के पेस्ट को तब तक हम बढ़िया से भूनेंगे जब तक कि इसमें जो कच्चापन है ना केले में, वो ना निकल जाए। अक्सर होता है ना कि केले ज्यादा आ गए और फिर बच जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कि अब इन्हें पके हुए केले का जिनपे स्पॉट से आ जाते हैं कि क्या करें। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। खास बात, जो पके हुए केले होते हैं उसका जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो भी हाई होता है, तो उस हिसाब से ये जो मिठाई है ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। केले की जो रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल निकल जानी चाहिए, तब तक इसको भूनना। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने घी डाला था वो केले ने पूरा अब्सॉर्ब कर लिया है, ये देखिए। तो जब आपको लगे कि केला थोड़ा ड्राई सा हो रहा है, एक छोटी चम्मच घी हम इसमें और ऐड करेंगे। यहाँ पर जो घी है वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा घी डाल करके इसको बढ़िया से भूनते जाएंगे। अब ऐसे हलवे की रेसिपी तो आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी देखी होंगी, सूजी का, बेसन का, मूंग दाल का, बहुत हलवे की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना वहाँ दिया हुआ है, तो आप मेरे और भी हलवे की रेसिपी जरूर ट्राई करें। लेकिन जब केले बच जाए तो इसे जरूर बनाएं, क्योंकि ये तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और इसको बनाना इतना आसान है ना, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। अब इस स्टेज पर जैसे अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा ड्राई सा हो गया है, एक छोटी चम्मच घी और डालेंगे और फिर से केले के मिक्स को और भुनेंगे। जितना बढ़िया आप इसकी घी के साथ भुनाई करेंगे उतना ही स्वादिष्ट आपका बनाना हलवा मिठाई तैयार होगी। तो जब तक हमारा केले का मिक्स भुन रहा है, फटाफट कर लेते हैं एक छोटा सा काम। बनाना मिठाई को बढ़िया से सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सिंपल सा केक टिन। कोई भी केक टिन, बर्फी वाली ट्रे हो या आपके पास सिंपल स्टील की प्लेट, किसी में भी जमा लीजिए, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा घी या ऑयल लगा करके बढ़िया से हम टिन या प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। साथ ही मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एक बटर पेपर, बिल्कुल ऑप्शनल है, थोड़ा निकालना आसान हो जाता है इसलिए मैं लगा रही हूँ, वरना ये मिठाई तो वैसे भी निकल आएगी। और इस तरह बटर पेपर लगा करके इसको भी कर लेंगे थोड़ा घी से ग्रीस और इसे रख देंगे अभी अलग। और ये देखिए क्या मस्त हमारा केले का हलवा दिख रहा है। ये देखिए मैं जब घुमा रही हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से घूम रहा है और जो भी हमने घी डाला था केले ने रिलीज कर दिया है, यानी कि देखिए पूरा सेपरेट होना शुरू हो गया है घी और इस तरह से कढ़ाई को छोड़ भी रहा है। यही है असली केले के हलवे की पहचान, एकदम बेहतरीन। जितना बढ़िया जैसे मैंने आपको बताया भूनेंगे उतना बढ़िया इसमें स्वाद और इसका टेक्सचर, जो असली चीज है टेक्सचर निकल कर आएगा बिना किसी कॉर्नफ्लावर वगैरह के। पूरा कच्चापन निकल गया है, एकदम किचन मेरा ना महक रहा है। और जो घी के साथ केला भुना है ना उसकी तो बात ही कुछ और है।
तो बस इस स्टेज पर जब इस तरह से बिल्कुल ये देखिए फोल्ड सा हो रहा है जब हम उठा रहे हैं, यानी कि जो केले का मिक्स है वो बिल्कुल बढ़िया भुन गया है और ऐसा भुनने में लगभग 6-7 मिनट का टाइम लगा है लो मीडियम फ्लेम पर। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी। मैंने यहाँ पर लगभग 225 ग्राम से 250 ग्राम चीनी ली है। इस हलवे में चीनी बिल्कुल सही मात्रा में पड़नी जरूरी है, तभी इसका वो परफेक्ट टेक्सचर बनता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर चीनी को केले के साथ करेंगे मिक्स और तब तक पकाएंगे जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। जैसे मान लीजिए आप चीनी में नहीं बनाना चाहते तो आप इसे गुड़ में भी बना सकते हैं। तो क्या करें कि आप लें लगभग 500 ग्राम गुड़, उसे क्रश कर लें, पानी में गुड़ को पिघला लें और जब गुड़ पिघल जाए तो उस पानी को इस स्टेज पर इसमें डाल दीजिए। मैंने चीनी से इसको इसलिए बनाया, ट्रेडिशनली ये हलवा चीनी से ही बनता है। चीनी डाली है ना हमने, देखिए अभी तो ये हल्का चिपक सा रहा है, अभी थोड़ा और इसको हम पकाएंगे। और इस स्टेज पर जब आप देखें कि घी पूरी तरह से इसमें अब्सॉर्ब है, अभी जैसे आप देख रहे हैं, 1 छोटी चम्मच घी इसमें और डालेंगे और इसको बढ़िया से भूनेंगे। और यहाँ पर पकाते पकाते अगर आपको फील हो कि घी पूरा अब्सॉर्ब हो गया है, घी रिलीज नहीं कर रहा है हलवा, तो आप यहाँ 1 छोटी चम्मच घी और डालिए जब तक कि पूरी तरह से ये ग्लॉसी ना हो जाए, पैन ना छोड़ने लगे। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर और बनाना हलवा में बिल्कुल मार्केट स्टाइल कलर आने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बूंद रेड फूड कलर। और फूड कलर डालकर बढ़िया से कर दीजिए मिक्स, पूरी तरह ऑप्शनल है, आप फूड कलर डालना चाहें तो डालिए वरना आप इसको इसी तरह भी बना सकते हैं। मैंने सब चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर दिया और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका डार्क कलर आ गया है। ये देखिए जब ये बिल्कुल शाइनी शाइनी आपको लगने लगे, यानी इस बात का इंडिकेशन है कि परफेक्ट बनाना हलवा मिठाई हमारी तैयार हो रही है जमने के लिए। ये देख रहे इसका टेक्सचर जैसे कराची हलवा बनाते हैं ना उस स्टाइल का। बस हमारा हलवा लगभग बिल्कुल तैयार हो गया है, घी भी इसने पूरी तरह से रिलीज करना शुरू कर दिया है। यही है इसका खास टेक्सचर और यही इसको बनाएगा सुपर टेस्टी। और इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारे रोस्टेड काजू और काजू डालकर भी बढ़िया से करेंगे मिक्स। और ये देखिए बिल्कुल शाइनी और ग्लॉसी एकदम बढ़िया हमारा बनाना हलवा तैयार है, घी भी पूरा रिलीज हो रहा है। ये देखिए जब आप इसको इस तरह से पलट रहे हैं, ये देखिए इसका टेक्सचर, ये गोल गोल भी घूम रहा है और एकदम बढ़िया टॉफी की तरह से, जैसे टॉफी होती है ना बिल्कुल वैसे ही इसकी लुकिंग है। ये देखिए शाइनी ग्लॉसी मजेदार। तो बस इस स्टेज पर जब ये बिल्कुल बढ़िया से घी रिलीज कर दे, अच्छा कलर आ जाए और इस तरह से पूरा कढ़ाई को छोड़े, तो बस हम गैस को बंद कर देंगे और अपने हलवे को ट्रांसफर करेंगे ग्रीस्ड टिन में। और बस एक स्पैटुला या स्पून से या कटोरी की बैक से ना एकदम इसको बढ़िया से स्मूथ कर देंगे। और बस इस स्टेज पर हलवे को इसी तरह से हम बिल्कुल बढ़िया से ठंडा होने देंगे जब तक कि ये प्रॉपर सेट ना हो जाए। चाहे तो आप इसको जब ये हल्का ठंडा हो जाए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये देखिए हमारा बनाना हलवा बर्फी है बिल्कुल तैयार सेट होकर के। ये देखिए शाइनी सॉफ्ट और एकदम डिलीशियस। तो बस इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा है इसको पूरी तरह सेट होने में। वाव एकदम आराम से पूरी मिठाई हमारी निकल आई। और ये देखिए पहले तो आप इसका टेक्सचर देखिए। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा शुरुआत में जब मैं बना रही थी पता नहीं आज पारुल क्या बना रही है, अब बताइए बनी है ना एकदम जबरदस्त वाली रेसिपी। ये देखिए इसका सॉफ्ट टेक्सचर बिल्कुल जैसे कराची हलवा या टॉफी होती है ना एकदम ऐसे ही सब लोग मांग कर खाएंगे। अब एक नाइफ से हम बस बीच में से इस तरह से बराबर इसको करेंगे कट। ये देखिए परफेक्ट कितना बढ़िया लग रहा है। और बस इसको बीच में से भी बराबर मैं कट कर रही हूँ और इसी तरह से हम यहाँ से भी बीच में से कट करेंगे। मैं इसको लंबी लंबी बर्फी जैसी शेप दे रही हूँ जैसे मिलता है ना यहाँ साउथ में बिल्कुल वैसी ही वाली। और ये देखिए अब मैं आपको इसके पीसेस दिखाती हूँ, क्या मस्त वाला हलवा बना है, मजा आ जाएगा है ना, एकदम मस्त जबरदस्त टेस्टी। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कैमरे से, आप इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल वही बनाए जो साउथ में मिलता है। सच मानिए बहुत ही अमीर रेसिपी है, जब नेक्स्ट टाइम आपके केले पकने लगे ना बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जरूर बनाइएगा। घी जरूर थोड़ा सा ज्यादा लगता है लेकिन ये जो हलवा बनता है ये इसी तरह बनाया जाता है, उसी से इसका कलर टेक्सचर और टेस्ट निकल कर आता है। और ये लीजिए हमारा साउथ का फेमस बहुत ही जबरदस्त बनाना हलवा है बिल्कुल तैयार, और वो भी इतनी झटपट और सिर्फ 2 ही चीजों से। और इस तरह से बना करके आप इस बनाना हलवा मिठाई को पूरे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, ये बिल्कुल भी जल्दी खराब नहीं होगी। एकदम यूनिक सा लग रहा है ना, अपनी लुकिंग में भी खाने में भी एकदम मस्त, ऐसा है कि मुंह में घुल जाएगा। तो लीजिए हमारा न्यू स्टाइल का बहुत ही अमेजिंग यमी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने जैसा बनाना हलवा मिठाई है बिल्कुल तैयार।
तो कैसी लगी आपको आज की ये बहुत ही स्पेशल बनाना हलवा मिठाई की रेसिपी, मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ऐसी ही अमेजिंग और नई नई रेसिपीज देखने के लिए। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।